हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों से स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, सुबह सुबह मैं रेसिपी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं ऑलरेडी उसको एक्चुअली पहले से तैयारी कर रखा था। आज रिजल्ट का दिन है तो मैं आप लोग उसको दिखाने वाली हूँ। और आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे आज का ब्लॉग मेरा। तो देखते रहिए और कीप ऑन वॉचिंग। चना, काला चना बनाया अभी सुबह सुबह मैं। ये बन ऑलरेडी रात को भिंगा के रखी हुई थी तो आज मैंने ये बनाया है। स्टाइल में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम। लॉकडाउन में सारी चीज़ें याद आ जाते हैं ना। गांव में हो तो गांव का, शहर का, और शहर में तो घर का खाना याद आ जाता है। तो बस एक्चुअली खाते हैं। उसको फिर मैं उसमें चीनी लगा दूंगी। उसको मैं ऑलरेडी बॉइल्ड है, मैं इसमें उतना ही चीनी लगाऊंगी जितना मुझे अपने दही को मीठा करना है। और यहाँ पे इसको थोड़ी देर और रखूंगी जब तक इसका पानी जो उठ नहीं जाता है। और ये जो फिर नेक्स्ट मैं पैन इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं शुगर सिरप बनाऊंगी जो कैरामलाइज करूँगी इसको ऊपर का कलर करने के लिए, जो मिष्टी दोई का कलर आता है। और अब उसको तब तक चलाते रहें जब तक जितना आपको डार्क कलर चाहिए। और इसमें एक कप दूध मिला दे। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा वार्म रखूँगी, ज़्यादा डायरेक्ट नहीं डालूँगी मैं इसको दूध में, एकदम वार्म रखूँगी। इस बीच में उसको बाद में जो मिक्सचर जो मैंने बनाया था कैरामलाइज मिल्क को, उसको मैं बाकी जो दूध बॉयल है उसमें मैं डालूँगी, धीरे धीरे करके डालूँगी क्योंकि फटने का डर रहता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है। मैं बस इतना ही कम कलर करना चाहती हूँ इसीलिए मैं इसमें। इसके बाद आप चम्मच से इसको हिलाते रहें। हिलाने से क्या होगा, वो अच्छा से जो कैरामलाइज मिल्क है आपका उसमें अच्छा से कलर फैल जाएगा। इसके बाद हिलाने का और एक फ़ायदा है, मतलब जब ये चम्मच से आपका ये जो बबल आ रहा है आप देख सकते हैं उसको ध्यान से, तो जिन जिन लोगों ने भी खाया होगा मिष्टी दही या फिर ऊपर का जो लेयर होता है मिष्टी दही में, मीठा दही में जो ऊपर का जो लेयर होता है थोड़ा बबल टाइप का होता है, फिर थोड़ा सा छाली टाइप का मोटा लेयर जमता है। इससे आपका क्या है, ऊपर का लेयर थोड़ा मतलब दुकान वाला टेक्स्चर आ जाएगा जो आपको चाहिए होगा, जो मतलब ऊपर का बबल टाइप का। और यहाँ जो थोड़ा सा जो मेरा ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा दही है, वाइट दही, मैंने ऑलरेडी इसको सॉरी वाइट दही बोल रही हूँ, खट्टा दही, उसको फेंट के रख दिए थे। और उसमें जो कैरमलाइज था उसमें 2 या 3 चम्मच, अब ज़्यादा नहीं, 2 या 3 चम्मच डाल के उसको भी कर सकते ताकि उसके जब उसको हम दूध में डालेंगे ताकि वो वाइट वाइट ऊपर ऊपर उठ ना जाए। इसमें जो कैरमलाइज मिल्क डालने का मतलब होता है कि ये फिर दही भी सेम कलर में आ जाता है तो उसमें वाइट वाइट स्पॉट टाइप का नहीं लगेगा। नहीं तो आप कभी ने ट्राई किया होगा, अगर आप डायरेक्ट खट्टा दही डालोगे ना उसमें एक वाइट कलर का स्पॉट आ जाता है और थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, जस्ट बिकॉज फिर हम खट्टा दही चीनी कम डालने की वजह से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो मैंने दही को मिलाया और इसको बस अभी मैं रख दूँगी। और हाँ, दही मिलाया जब आप मिलाओ ना तो वार्म बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वेदर के हिसाब से दही आपका बहुत अच्छे से जमना चाहिए। जैसे कि अगर आप समर में डालते हो तो समर का वेदर ऑलरेडी हीट होता है तो उस हिसाब से आप ऐसे फॉर्म में लाके डालिएगा दही को जब आपको पीने का लायक हो, जब पी सकते हैं। और क्योंकि जब विंटर में हम जब बनाते हैं तो वार्म डालते हैं दही, जब दूध वार्म होता है तब दही डालते हैं क्योंकि उस समय वेदर ऑलरेडी कोल्ड होता है तो इसको जमाने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। जो मैं अभी दही आपको दिखा रही हूँ ना वो मेरा मैंने टाइम देख के जमाया था, 6.5 घंटे, दोपहर 1 या 12 साढ़े 12 के 1 के बीच में मैंने रखा था। 6 साढ़े 6 घंटे के अंदर मेरा बहुत अच्छे से जम गया था। और मेरा कुछ यहाँ ओवन तवन नहीं है सो मैं ये इडली मेकर जो है मेरा मैं उसके अंदर रख रही हूँ और इसका जो फॉर्म होगा वो मैं आपको दिखाऊँगी। जी हाँ, कैसा जमा है और ये कैसा टेस्ट कर रहा है आप भी ट्राई कीजिएगा।
देखने का बारी है क्योंकि हम देखते हैं कैसा जमा है। और गाइस बहुत अच्छा जमा है, आपको देखना चाहिए, और बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा जमा है गाइस, बहुत अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब बस बिलीव करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको पसंद हो ना तो आप, आपकी मर्ज़ी है अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करते हैं या फिर आप और भी यूट्यूब में कुकिंग चैनल आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको मेरा नहीं समझ आया तो। बट कल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ क्योंकि कल मैं आप ओपन करने वाली हूँ। बहुत देर तक मैं इसको बहुत रख चुकी थी, 6.5 घंटा में ये मेरा जम गया था और इसको मैं रात भर रखी हुई थी। तो ये है अभी जो मेरा इतना अच्छा से जमा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से जमा गाइस। आप भी ट्राई कीजिए और ये गर्मी में मीठा दही हो या खट्टा दही हो, इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।